हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रीन क्लाइमेट फंड क्या है और अडेप्टेशन फंड क्या है। अडेप्टेशन फंड का जो टर्म है वो आपने सुनी होगी, लास्ट जो हमने COP 13 में बाली एक्शन प्लान में हमने डिस्कशन किया था अडेप्टेशन फंड के बारे में। सो एक्चुअली ये टर्म्स क्या है और कैसे क्या यूज है इनका और किस तरीके से वर्क करती हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है उनके लिए एक बार थोड़ा सा मैं रिवाइज करा देती हूँ। बाकी आप सब क्लाइमेट चेंज की वीडियोज जो है वो आप देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। हमने बात करी थी UNFCCC की, इसकी हिस्ट्री भी देख लेना, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था। अभी हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, इसमें हमने बताया था कि कुछ कॉप हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हैं जिनकी हर साल मीटिंग होती रहती है। इसमें हमने सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कस कर चुके हैं क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल का जो इसमें हमने जो डिस्कस किया था वो किसके बारे में किया था, CDM में क्या है, GI क्या है और इमिशन ट्रेडिंग के बारे में हमने डिस्कशन किया था, ठीक है। इसमें हमने क्या बताया था कि जो जो भी डेवलप्ड कंट्री है वो डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर कुछ प्रोजेक्ट्स लगा देंगी, टेक्निकल जो है टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करेंगे। जैसे कि अगर उन्होंने मान लो ज्यादा कार्बन इमिट कर दिए और कुछ जो जो भी उनकी एक्स्ट्रा अमाउंट थी उसको कंपनसेट करने के लिए वो डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर कुछ प्रोजेक्ट लगा देंगे, ठीक है। ये सारा हमने डिस्कशन किया था CDM में और इसके अंदर GI और CDM में के अंदर हमने ये सब डिस्कशन किया था कि टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर होगा और इस तरीके की बातें होंगे, ठीक है। अब ये जो फंड है इसकी क्या जरूरत पड़ी और क्यों जरूरत पड़ी, क्या हुआ कि जैसे मान लो कोई भी डेवलप्ड कंट्री है वो डेवलपिंग कंट्री के अंदर मान लो कोई भी प्रोजेक्ट लगा रही है तो वो तो अपना बेनिफिट देखेंगे ना कि डेवलपिंग होनी चाहिए, बस उनका अपना काम खत्म हो जाएगा और उनको अपना बेनिफिट भी चाहिए है। तो जैसे कि मान लो ज्यादा डेवलप्ड कंट्रीज ने चाइना में ही कर दिया अपना जो जो भी प्रोजेक्ट लगाने थे या कुछ भी उनको डेवलप करनी थी, तो 50% समथिंग प्लस जो है चाइना में ही कर दिया उन्होंने, और जैसे इंडिया में कर दिया कुछ 14%। लेकिन इसके अलावा और भी तो बहुत ज्यादा डेवलपिंग कंट्रीज बच गई ना जो कि बिल्कुल पुअर है, वहां पर इन्होंने उन प्रोजेक्ट्स को मतलब वहां पे उन्होंने उनको स्टेबल नहीं किया, एस्टेब्लिश नहीं किया प्रोजेक्ट्स को, तो ये चीज तो बिल्कुल गलत हो जाएगी। तो इसलिए क्या किया गया, एडेप्टेशन फंड जो है ना उसको लॉन्च किया गया। उसमें क्या बोला गया, जो भी ये CDMA के थ्रू जो CER ट्रांसफर करते हैं ना जो क्रेडिट है उनके, उसमें कंडीशन क्या रख दी कि उसका जो 2% है अमाउंट उसको कहाँ पर डालेंगे, अडेप्टेशन फंड के अंदर डालेंगे। उसकी जो 2% मतलब उन्होंने मान लो जितना भी उनका एक्स्ट्रा अमाउंट आई है, जो भी जितने एक्स्ट्रा कार्बन क्रेडिट आए हैं, तो उसको कंपनसेट करने के लिए वो या डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर प्रोजेक्ट लगा रहे हैं या फिर कई बार क्या करते हैं वो वहां से कार्बन परचेज करते हैं, उनको पैसे देते हैं इस तरीके से। तो ये दोनों के अंदर जो भी अमाउंट है CDMA के अंदर, जो 2% है CER का, वो अडेप्टेशन फंड के अंदर डाल दिया जाएगा और ये जो फंड है वो डेवलपिंग कंट्रीज को प्रोवाइड किया जाएगा। ये डिफरेंस समझ में आ गया, जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो तो जहां प्रोजेक्ट चाहेंगे वहीं लगाएंगे, चाहे वो चाइना में चाहो चाहे वो इंडिया में चाहो, क्योंकि वो अपना प्रॉफिट देख रहे हैं और कंपनसेट भी कर रहे हैं। लेकिन जो इसके अंदर जो पैसे है ना अडेप्टेशन फंड के अंदर, वो डेवलपिंग कंट्रीज को जाएंगे जिस तरीके से रिक्वायरमेंट है, जो बिल्कुल पुअर कंट्रीज हैं या फिर क्लाइमेट चेंज सबसे ज्यादा अफेक्ट उन्हीं को डाल रहा है। मान लो कोई बहुत स्मॉल सी कंट्री है, अब सी लेवल अगर इंक्रीज हो रहा है, धीरे धीरे से सी लेवल इंक्रीज होगा तो डूब जाएंगे वो कुछ टाइम के बाद में, लेकिन उन्होंने कुछ डेवलपमेंट तो करी नहीं, उन्होंने तो कुछ कार्बन का इमिशन किया नहीं इतना ज्यादा कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो गई हो वहां, वो तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन डेवलप कंट्रीज में हुआ है डेवलपमेंट, और किसको नुकसान हो रहा है, जो छोटी कंट्रीज है जो जिन जहाँ पे सी लेवल हाई होने की वजह से जो डूब जाएंगी, तो उनमें यहाँ से पैसे आके हेल्प हो जाएगी। फर्स्ट पॉइंट तो ये है। तो इससे आपको स्टोरी का क्या पता चला कि जो इन्होंने बोला था क्लाइमेट चेंज के अंदर कि हम क्या करेंगे, हम मिटिगेशन अडेप्टेशन की चीजों को जो है फॉलो करेंगे, मैं मिटिगेशन अडेप्टेशन पे वीडियो बना चुकी हूँ आप देख लेना, उस मिटिगेशन और अडेप्टेशन के जो भी प्रोजेक्ट्स उनको लगाने हैं, ग्रीन हाउस गैसेज को इमिट करना है, कैसे करोगे बिना पैसों के, तो पैसे होने चाहिए। उसके लिए उन्होंने क्या किया, इन फंड्स को एस्टेब्लिश किया है, ग्रीन क्लाइमेट फंड हो गया, अडेप्टेशन फंड हो गया। अब अडेप्टेशन फंड मैंने आपको बता दिया ये CER के थ्रू आएगा, ये आपको बेस पता चल गया होगा कि क्या है क्यों है, और अब धीरे धीरे हम जो है वो एक एक को डिस्कस कर लेते हैं सेपरेटली कि क्या क्या है। ये थोड़ा सा इनका बस ओवरव्यू था। अब देखो अडेप्टेशन फंड वाज ऑफिशियली लॉन्च्ड इन 2007, ये पॉइंट याद रखना है। ऑल्दो इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 2001 इन 7th कॉन्फ्रेंस ऑफ COP 7, ये जो 2001 में एक्चुअली इसको एस्टेब्लिश कर दिया गया था, एस्टेब्लिश करना और ऑफिशियल लॉन्च करने में डिफरेंस है, ये आपको दिख रहा होगा। ये 2007 में एस्टेब्लिश किया था क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल वाली जो मीटिंग है वो तो इससे काफी टाइम पहले हो गई थी, आई थिंक 1997 में हुई थी। तो 1997 में उस टाइम पर आप अगर आपने CDM में डाला है कि भाई इस तरीके से प्रोजेक्ट करो, तो ऑफकोर्स आपको ये प्रॉब्लम तो आएगी कि मतलब पैसे जो है वो कहाँ से कैसे क्या जाएंगे। तो उसके लिए 2001 में अडेप्टेशन फंड को एस्टेब्लिश कर दिया था, लेकिन ऑफिशियली लॉन्च कब हुआ है, 2007 में, मैं आपको बता चुकी हूँ COP 13 में।
उसमें भी हमने इसको डिस्कस किया था, क्या करने के लिए ये क्या क्या हेल्प करते हैं, जो अडेप्टेशन के प्रोजेक्ट्स हैं उनमें, डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर अडेप्टेशन के जो प्रोजेक्ट्स हैं या फिर मिटिगेशन के लिए उसमें ये काम करते हैं, जो भी क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए जो भी आप प्रोजेक्ट्स लगा रहे हो वहां पे, ग्रीन हाउस गैसेस को, इमिशन को कम करने के लिए, आप रेन्यूएबल एनर्जी के लिए, इस तरीके से जो भी चीजें आप कर रहे हो वो मिटिगेशन एडेप्टेशन में आप देख लेना, आपको आइडिया हो जाएगा किस तरीके का वर्क करते हैं, तो उसमें ये हेल्प करते हैं। ये सब जो है वो सेम वही बात है, इसको पढ़ने जरूरत नहीं है। फाइनेंसिंग मतलब अगर कोई रीड करना चाहे तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ, ये मैं आपको बताई चुकी हूँ, 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ द सीईआर इश्यूड ईच ईयर फॉर सीडीएमए प्रोजेक्ट, उसका जो शेयर है वो उसमें डलेगा। अब इसको हैंडल कौन कर रहा है, अडेप्टेशन फंड इज मैनेज बाई द अडेप्टेशन फंड बोर्ड, इससे मैनेज की जाती है, ठीक है। और इसके जो सेक्रेटरिएट है ऑफ द अडेप्टेशन फंड बोर्ड प्रोवाइड रिसर्च एडवाइजरी एडमिनिस्ट्रेटिव, ये सारी चीजें हैं। कहाँ पे बेस्ड है, वॉशिंगटन डीसी, जो इसका स्टाफ बेस्ड है वो यहाँ पे है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके अंदर जो वर्ल्ड बैंक है वो एज अ क्या सर्व कर रहा है, ट्रस्टी, एज अ ट्रस्टी। एंड ये आप एक बार देख लेना, इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, एक बार रीडिंग देख लेना, मैंने इसमें डाला हुआ है। एंड द वन यूनिक फीचर इज दैट अडेप्टेशन फंड इज इट्स डायरेक्ट एसेस मैकेनिज्म, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप इसको डायरेक्टली एसेस कर सकते हो, जो भी रीजनल या जो नेशनल इंप्लीमेंटिंग एंटिटीज हैं वो डायरेक्टली एसेस कर सकती हैं अडेप्टेशन फंड को। सो दिस इज अबाउट अडेप्टेशन फंड। अभी देख लेते हैं हम ग्रीन क्लाइमेट फंड क्या है। देखो अडेप्टेशन फंड क्या, तो जो आपको पता चली गया कि किस तरीके से हुआ था, क्यों हुआ था, सीडीएमए वाले जो पैसे थे उनको ट्रांसफर करने के लिए, और फंड की तो जो रिक्वायरमेंट है वो इसीलिए हुई होगी कि जो भी मनी आ रही है उसको किस तरीके से हैंडल किया जाएगा। अब जो जीसीएफ है एक्चुअली ये कब आया था, ये प्रपोज तो कर दिया था, कॉन्सेप्ट तो इसका आ गया था 2009 में ही, जो कोपेनहेगन अकॉर्ड था उसमें ही इसका डिस्कशन आ गया था। लेकिन इसको एस्टेब्लिश कब किया गया था, 2010 के अंदर COP16 में कानकुन में। ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि कब प्रपोज किया था और कब एस्टेब्लिश हुआ था, क्योंकि कई जगह आपको ये लिखा मिलेगा, कई जगह ये होगा, तो दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, अब ये कब आया था, क्योंकि जब ये कोप जो 16 हुआ था, 2010 वाली जो बात है, जैसे हमने 7 में डिस्कशन किया था COP13 वाले में, कि क्या डिस्कशन रहता था कि डेवलप कंट्रीज को $100 बिलियन देने हैं, कब, 2020 के बाद, ये सारा डिस्कशन चल रहा था इन सारी कोप के अंदर, जो भी ये 2007 में हुई थी 8 में, कि भाई वो डेवलप कंट्रीज मना कर रही हैं, डेवलपिंग कंट्रीज बोल रही हैं कि उनको फंड देना पड़ेगा, तो यही सारा डिस्कशन चल रहा था। उसके बाद में इन्होंने जो है इस पे तो हाँ नहीं बोली कि 2020 के बाद हम देंगे, ऐसी कोई बिल्कुल श्योर सहमति नहीं करी थी उस टाइम पर उन्होंने, लेकिन उन्होंने क्या बोल दिया था कि $30 बिलियन है वो हम देंगे, कब से कब तक, 2010 to 12 वाली जो अमाउंट थी उस तक हम ये वाली अमाउंट देंगे। ये 9-10 में बात चल रही थी, 10 से 12 तक हम 30 बिलियन देंगे, ये डेवलप्ड कंट्रीज ने बोला था उस टाइम पर। और उसके बाद 2020 के बाद जो है हम 100 बिलियन देने लगेंगे, $100 बिलियन जो है वो 2010 के बाद देने लगेंगे, ऐसे कुछ इनका डिस्कशन चल रहा था। और उससे पहले 10 से 12 ये इतनी अमाउंट देंगे। तो इस पॉइंट पर जो ये फंड आएगा वो कहाँ जाएगा, कौन हैंडल करेगा, क्या उसकी प्रोसेस होगी, तब जाके ये जीसीएफ को लॉन्च किया गया था। तो 10 के अंदर जो है जीसीएफ को लॉन्च किया गया था, उसी टाइम पर इन्होंने इसके बारे में बोला था कि हम 30 बिलियन देने के लिए रेडी हैं। अब इसका ट्रस्टी कौन है, वर्ल्ड बैंक इसका ट्रस्टी है। एंड ये क्या काम करता है, टू असिस्ट द डेवलपिंग कंट्रीज इन अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन प्रैक्टिसेस टू काउंटर क्लाइमेट चेंज। इसीलिए मैंने आपको अडेप्टेशन और मिटिगेशन की एक सेपरेट वीडियो बनाई, क्योंकि मैंने बताया था आपको ये टर्म बार बार आएंगे यूज में, तो आपको पहले से ही पता होना चाहिए। एंड नेक्स्ट पॉइंट, द जीसीएफ इज बेस्ड इन साउथ कोरिया, इंचियन करके है ये, इट इज कवर्ड बाय अ बोर्ड ऑफ 24 मेंबर्स सपोर्टेड बाय सेक्रेटरिएट। तो ये एक स्काई पॉइंट हो जाएगा, ये मैंने आपको बता दिया। फ्रॉम 2020 डेवलप्ड कंट्रीज विल गिव $100 बिलियन आई ईयर टू जीसीएफ, ये इसके अंदर जो है इस ग्रीन क्लाइमेट फंड के अंदर ये पैसे डालेंगे $100 बिलियन का जो इन्होंने बोला है, और वहां से फिर डेवलपिंग जो कंट्रीज है वो उसको ले सकती हैं, यूज कर सकती हैं जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। एंड दिस फंड इज द फंड विल कंट्रीब्यूट टू द अचीवमेंट ऑफ द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, यूएनएफसीसी का जो ऑब्जेक्टिव है उसी में अचीव करने में ये यूज होगा, क्योंकि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए, एमिशन जो है कम से कम होना चाहिए, ग्रीन हाउस गैसेज कम हो जानी चाहिए, वही क्लाइमेट चेंज के अंदर वही सारी सेम कहानी, ताकि हमारा जो क्लाइमेट चेंज का जो इफेक्ट है वो कम से कम डले। जो हमारी बिल्कुल पुअर और डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जिन जो सबसे ज्यादा मतलब नुकसान, जिनमें सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से, उनकी हेल्प हो पाए, तो ये सारा इसका मेन पॉइंट था।
अगर मैं एक एक सिंगल वर्ड में अगर मैं इसकी समरी देना चाहूं तो मेन पॉइंट क्या हो जाएगा, हम बात कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज की, यूएनएफसीसी की, क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए आपको कुछ काम करना पड़ेगा। तो इन्होंने बोला कि आप क्या काम करो, आप मिटिगेशन करो, उनको रिड्यूस करो, एडेप्टेशन करो, मतलब जो भी आगे हो जाएगा, मान लो अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है और इतना इफेक्ट हो जाएगा उसके बाद हम कैसे करेंगे, तो आप किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे, इन सब कामों को करो। अब इन सबको करने के लिए पैसे तो चाहिए, तो पैसे कहाँ से आएंगे, एडेप्टेशन लॉन्च एडेप्टेशन फंड को लॉन्च किया गया, इसमें डाल दिया गया आपका सीडीएमए से जो पैसे आएंगे उसका 2% ताकि डेवलपिंग कंट्रीज यूज करें, और जो डेवलप्ड कंट्रीज देंगी पैसे उन सबको कहाँ पे रखेंगे, ग्रीन क्लाइमेट फंड के अंदर डालेंगे ये सारा। और अडेप्टेशन फंड के अंदर ना कुछ प्राइवेट भी हैं या फिर कुछ एनजीओज हैं वो भी दे सकते हैं, मतलब डोनेशंस भी उसके अंदर होता है अडेप्टेशन फंड के अंदर, एक्चुअली डोनेशन से भी काफी अमाउंट आ जाती है, वो अडेप्टेशन फंड में आपका एड होता रहेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, ग्रीन क्लाइमेट फंड एंड अडेप्टेशन फंड। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि क्या है और कब लॉन्च हुआ था और इनका क्या पर्पज है। सो अगर आपको वीडियो कुछ यूजफुल लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।